माया दर्पण और तरंग जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर कुमार शाहनी का निधन हो गया है। उन्हें समानांतर सिनेमा का अग्रणी माना जाता था। उन्होंने 83 की उम्र में आज अंतिम सांस ली। आपको बताते हैं कि आखिर उनका निधन कैसे हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। कुमार शाहनी पसोलिया और टारवोस्की जैसे महान लोगों से प्रभावित थे। उनकी कहानी बताने की अनूठी शैली ने उन्हें अलग खड़ा किया। एक डायरेक्टर के अलावा वो एक एजुकेटर और राइटर भी थे। उन्होंने द शॉक ऑफ डिजायर एंड अंडर एजेस जैसी किताबें भी लिखी हैं। उनकी फिल्में और आर्टिकल्स भविष्य के फिल्म मेकर्स को इंस्पायर भी करती रहेंगी। कुमार शाहनी ने पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से पढ़ाई की। वे निर्देशक ऋत्विक घटक के पसंदीदा छात्रों में से एक माने जाते थे। बाद में शाहनी फ्रांस गए और फिल्म मेकर रॉबर्ट ब्रेसन को उनकी फिल्म यूने फेम डूज बनाने में हेल्प की। वे ऋत्विक घटक और रॉबर्ट ब्रेसन को अपना गुरु मानते थे। कुमार शाहनी ने निर्मल वर्मा की कहानी पर आधारित माया दर्पण बनाई थी। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। कुमार शाहनी ने तरंग, ख्याल गाथा, कस्बा और चार अध्याय समेत कई समानांतर फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। साथ ही आपको बता दें कि कुमार शाहनी ने न सिर्फ नेशनल अवार्ड जीते बल्कि अलग अलग समय में उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम दर्ज किए। साल 1973 में आई फिल्म माया दर्पण, 1990 में आई ख्याल गाथा और 1991 में आई कस्बा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजित किया गया। साल 2004 के बाद उन्होंने फिल्म बनाना छोड़कर लिखने पढ़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आज उनके निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को शोक की लहर में डुबो दिया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।